हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज है शरद पूर्णमासी, आप सभी को शरद पूर्णमासी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन बनाते हैं खीर, जिसको रखा जाता है चांद की रोशनी में रात को। तो मैं भी बना रही हूँ खीर। ये ऐसी खीर है जिसमें एक चीज़ डाल दो तो रबड़ी जैसी खीर बन जाएगी, वो मैं बताऊँगी आपको बाद में, क्योंकि वो कौन सी चीज़ है जो इसको रबड़ी जैसी मलाईदार खीर में बन जाएगी। तो चलिए बनाते हैं खीर। तो मैंने ले ली थी 3-4 इलायची, उनको कूट के पीस के डाल दिया था, दूध उबल गया था तो उसमें मैंने डाल दिए थे चावल भीगे हुए, जो 2 घंटे पहले ही मैंने भिगो के रख दिए थे। तो अब चावल जब तक गल नहीं जाएंगे तब तक इसमें दूध में उबलते रहेंगे चावल। जब तक चावल गल जाएंगे उसके बाद मैं डालूँगी उसमें चीनी। तो चीनी मैंने 1 कटोरी ले ली है 1 किलो दूध में। दूध मैंने 1 किलो लिया था, उसमें 1 कटोरी चीनी ले ली है। तो जैसे ही चावल गल जाएंगे, हाथ से पीस के देख लेंगे चावलों को ज़रा सा, जब चावल पीस जाएं, पीस मतलब उबल जाएं, मैश उसे हो जाएं, हाथ से गला के गल जाएंगे, उसके बाद उसमें डाल देंगे हम चीनी। थोड़ी देर में डाल देंगे बादाम, किशमिश। चीनी डाल दी है मैंने इसमें और इसको अच्छे से उबालना है, घोटना एकदम से। तो ये देखो खीर का रंग चेंज हो गया है, इसका मतलब चावल भी अच्छे से उबल गए हैं दूध में। तो अब हमने डाल दिए इसमें बादाम, इसमें डालूंगी मैं धुली हुई किशमिश जो भिगो के रखी हुई थी थोड़ी देर पहले। और इसमें लास्ट में मैं डालूंगी एक ऐसी चीज़ जिससे कि इस खीर का टेस्ट ही बदल जाएगा बिल्कुल। तो क्या है वो चीज़ आगे बताती हूँ, देखते रहिए वीडियो। ये डाल दी किशमिश और ये खीर बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा। अभी देखो इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी। आपके पास घर का घी हो तो घर का डाल दो, मैंने ये मार्केट का लेके डाला था। तो इस 1 चम्मच घी से खीर बहुत ही बहुत बहुत डिलीशियस बन गई थी। तो ये है एक चीज़ वो जिससे खीर रबड़ी जैसी बन गई। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार और मुझे बताइएगा कि आपको ये खीर खाने में कैसी लगी। तो मिलती हूँ अपनी एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।